हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, सब मौज। देखो, ये वाला अनाउंसमेंट आ गया है। आप सबको शायद पता चल भी गया होगा, पर मैं ये अनाउंसमेंट का कुछ इंप्लीकेशन बताने वाला हूँ। हाँ, कौन सा अनाउंसमेंट का बात कर रहे हैं भैया? सीए इंस्टीट्यूट ने जो बोला था ना कि वो अब साल में 3 बार एग्जाम देगा, बस उस अनाउंसमेंट का बात कर रहा हूँ। पर क्या अनाउंसमेंट सब देख चुके हैं, क्योंकि उसमें कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं जो मुझे आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ये बारीकी समझ गए तो हो सकता है कि आप अपने लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ, सही डिसीजन। तो पहले एक बार मैं, जो बच्चे लोग नहीं सुने हैं अभी तक ये इंफॉर्मेशन, मैं एक बार क्लैरिटी देता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक सबको मिस कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, यहां पर एक तो नोटिफिकेशन आया है 24 अप्रैल को इंस्टीट्यूट का दिया है, और ये लिखा है कट ऑफ डेट फॉर एनरोलमेंट इन फाउंडेशन इंटरमीडिएट कोर्स फॉर अपियरिंग इन सेप्टेम्बर 24 और जनवरी 25 एग्जामिनेशन। तो भैया जो बात चल रहा था, इंस्टीट्यूट बोल रहा था कि जैसे कि फाइनल के जो बच्चे हैं उनका साल में 2 बार एग्जाम होगा, एक मई में और एक नवंबर में, जैसे पहले होता था वैसे, तो आज भी वही रखा है। और इन्होंने बोला था कि इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, सीए इंटरमीडिएट और जो सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, उनका साल में 3 बार एग्जाम लेने वाले हैं। तो यहां भी उन्होंने वही बात कंफर्म किया है। अभी जो साल में 3 बार एग्जाम लेने वाले हैं, कौन कौन से मंथ में लेंगे? एक तो बोलते हैं ये लोग जनवरी में लेगा, एक बोल रहे हैं ये लोग मई मंथ में ले लेगा, और एक तो जो है ये लोग बोल रहा सेप्टेंबर मंथ में लेगा। सीधा बात है, 4 महीने का गैप मिलेगा। अरे जनवरी पहला महीना होता है भाई साहब, पहला महीना। अब इसमें 4 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 5वां महीना में, और 4 फिर जोड़ दोगे तो 9वां महीना, सेप्टेंबर आ गया। अब ये मंथ में लेगा एग्जाम ये लोग जो बोल रहे हैं, ये सब ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे उस पर थोड़ा सा देखो। बोल रहे द इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड फ्रॉम मई जून 24 ऑनवर्ड्स। बोलो इस बार मई में जो और जून में एग्जाम रखा हुआ है वो तो वैसे का वैसा ही है, उसके बाद क्या क्या होगा वो बता रहे हैं हम लोग। बोल रहा है कि इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड थ्राइस एंड नेयर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इतना दिन से बात चल रहा था कि आप कंफर्म करेंगे, आप कंफर्म कर रहे हैं 3 बार ही लेंगे इन द मंथ ऑफ मई जून, या तो मई में ले लेंगे या तो जून में ले लेंगे, ये बता रहा है। ठीक है, और फिर बोल रहा है सितंबर में एक तो ले लेंगे और एक तो बोल रहा है जनवरी में ले लेंगे। वही जो हमने बात की अभी कि एक तो जनवरी, एक तो मई और एक तो सितंबर, 4-4 महीने के गैप में। फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ ट्वाइस अ ईयर, अभी 2 बार लेते थे अब 3 बार लेंगे, क्योंकि फाउंडेशन इंटर का सीए फाइनल कोर्स एग्जामिनेशन विल कंटिन्यू टू बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर इन द मंथ ऑफ मई नवंबर, जो हमने अभी बात किया। यहां तक तो ठीक है, किंतु कहानी अब चालू हो गई। देखो क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ, बहुत बढ़िया बोल रहा है। बोले स्टूडेंट हु आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन, बोले वो बच्चा जो एलिजिबल है फाउंडेशन देने के लिए, दैट इज रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 मंथ्स ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज हेल्ड अलॉन्ग विथ अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन स्पेसिफाइड इन रू रेगुलेशन 25F फॉर इंटरमीडिएट कोर्स एग्जामिनेशन। अच्छा छोड़ो, ये इंटरमीडिएट बात बोलते हैं, पहले फाउंडेशन के बच्चों का बात करते हैं। तो बोले मिनिमम क्राइटेरिया दिया है भैया कितने महीने का, 4 महीना स्टडी पीरियड। अब इसका मतलब क्या है या इंप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। मतलब सुनो, ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूं। अगर आप सीए फाउंडेशन देने का सोच रहे हो जनवरी मंथ में, हाँ इस साल तो जनवरी निकल गया है, समझो ध्यान से, तो बोलना चाह रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर के अंदर करा लेना चाहिए। अगर आप मई मंथ में एग्जाम अपियर करना चाहते हैं फाउंडेशन का, तो इंस्टीट्यूट के साथ जो रजिस्ट्रेशन कराऊंगे वो 1 जनवरी के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब अगर मैं 1 जनवरी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लूं, जनवरी के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने का गैप हो गया, अब मैं मई में जाकर एग्जाम दे दूंगा, समझ रहे हैं? ऐसी अगर मैं 1 मई के अंदर रजिस्टर करा लेता हूं तब मैं जाके सितंबर में एग्जाम दे पाऊंगा। मतलब अगर मई में एग्जाम मई के अंदर रजिस्टर करा लिया इंस्टीट्यूट के साथ, तो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने का पीरियड हो गया, सितंबर में जाके एग्जाम दे लो। 1 सितंबर के अंदर रजिस्टर कराया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने का गैप हो गया, जनवरी में जाके एग्जाम दो। यानी से यह समझ में आ रहा है कि अगर मैं आज का डेट देखूं, मैं हूं 2024 में अप्रैल महीना में हूं, अब मेरा अगला एग्जाम मेरे लिए कब आ रहा है, सितंबर में आ रहा है। तो अगर मुझे सीए फाउंडेशन सितंबर में देना है
और मैं एकदम नया नवेला स्टूडेंट हूं, पहली बार एग्जाम देने जाने वाला हूं, तो मुझे इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कब तक करा लेना पड़ेगा? 1 मई के अंदर। तो जो बच्चा लोग इस बार सोच रहे हैं कि सितंबर 2024 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना चाहते हैं, वो बच्चों को अगर अभी तक रजिस्टर करा लिया तब तो ठीक है, किंतु जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 1 मई के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना। आपके पास दिन के 6-7 दिन का टाइम बचा है, अब आप फट से रजिस्ट्रेशन करा लो। कोई बच्चा बोल रहे भैया मैं ना पहले एग्जाम दिया था पर मेरा एग्जाम निकला नहीं, क्लियर नहीं हो पाया, तो हाँ तो फिर आप सितंबर में एग्जाम दे लेना। वैसे तो अभी बच्चा लोग के पास ये जून महीना में एग्जाम है वो दे देगा। अब भगवान ना करे ऐसा हो, किंतु मान लो अगर आप जून में क्लियर नहीं किए तो आप सितंबर में बैठ जाना एग्जाम देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल्दी चांस मिल जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? अच्छा अच्छा, मतलब जो नया बच्चा है उसको रजिस्ट्रेशन 1 मई के अंदर कराना तब सितंबर में बैठने का वहां मिलेगा, 1 जनवरी के अंदर कराएगा तो मई में बैठने का मिलेगा, और 1 सितंबर के अंदर करा लोगे तो जनवरी में। हाँ, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटिंग कर लेना। मेरा बात समझ में है? यहां तक क्लैरिटी है? अब आगे सुनो, अभी रुको, इंस्टीट्यूट और भी बहुत सारा बात बोल रहा है, नहीं सुनेंगे ध्यान से तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए क्या कहानी सुना रहा है सुनो, फॉर इंटरमीडिएट कोर्स एग्जामिनेशन अगर बोर्ड ऑफ स्टडीज के रजिस्ट्रेशन करा लियो एंड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट इफेक्ट दैट ही हैज अंडरगॉन अ स्टडी कोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 मंथ, लो कर लो बात, एज ऑन द 1st डे ऑफ मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज हेल्ड अलॉन्ग विद अदर कंडीशन वगैरह वगैरह। तो सुनो ना, ये लोग क्या बोल रहा है, इंटरमीडिएट में स्टडी पीरियड आज भी 8 महीना है। अब बोल रहा है, ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, जैसे अभी का प्रेजेंट सिनेरियो से मैं बात करना चाह रहा हूं, अभी अप्रैल मंथ में खड़े, नॉर्मली हमारा एग्जाम तो नवंबर में होता था, किंतु अब नवंबर में तो एग्जाम है नहीं, ये पहला एग्जाम तो सितंबर में आएगा ना, हाँ आएगा, किंतु सितंबर में इंटरमीडिएट कौन दे पाएगा, वो बच्चे जो 8 महीने का पीरियड कंप्लीट कर चुके होंगे। 8 महीने का पीरियड कंप्लीट करेंगे मतलब उनका जो रजिस्ट्रेशन है 1 जनवरी से पहले पहले हो जाना चाहिए। तो जाके देखो आप रजिस्ट्रेशन जो कराए तो क्या 1 जनवरी के पहले करा रखे, अगर हां तो आप सितंबर में इंटरमीडिएट एग्जाम दे सकते। क्योंकि मेरे को जो समझ में आता है, इस साल जो हुआ था दिसंबर का एग्जाम जनवरी में हो गया था, उन बच्चों का जो रिजल्ट है फरवरी में निकला था, तो फरवरी के बाद ही रजिस्टर कराया बच्चा, मतलब जनवरी के अंदर तो करा ही नहीं पाया, तो इसका मतलब वो बच्चा लोग सितंबर में नहीं दे सकता। तो सितंबर के बाद अगला एग्जाम कब आएगा? जनवरी 2025। तो वो बच्चा लोग जनवरी में जाके एग्जाम, तो सीधा सीधा मेरे को समझ में आ रहा है, जो बच्चा लोग जनवरी 1 के पहले रजिस्ट्रेशन करा चुका है मतलब पक्का पक्का वो बच्चा लोग दिसंबर में एग्जाम नहीं दिया होगा, दिसंबर 23 में नहीं दिया होगा एग्जाम, उसके पहले दे रखा है, वो बच्चा लोग सितंबर में दे सकता है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अभी जो है, जो इतना मेरे को समझ में आता है, जो लोग दिसंबर 23 का एग्जाम देंगे वो बच्चे सितंबर में नहीं अब जनवरी 25 में एग्जाम देंगे, यानी आपको 2 महीना ज्यादा मिल गया, नवंबर की जगह जनवरी देने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेट समझो, जो बच्चा सितंबर में एग्जाम देना चाहता है उसको 1 जनवरी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा, प्रीवियस 1 जनवरी, समझ रहे हैं ना। अगर आप मई मंथ में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 1 सितंबर, मई के पहले वाला 1 सितंबर के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और अगर आप जनवरी मंथ में एग्जाम देना चाहते हैं तो जनवरी के पहले वाला जो 1 मई आता है ना उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये नोट कर लो कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना है। हाँ, एक बार रजिस्ट्रेशन करा के एग्जाम दे लिया उसके बाद भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिर रजिस्ट्रेशन तो फिर तो एग्जाम फॉर्म भरना है, एग्जाम फॉर्म भर के जो नेक्स्ट एग्जाम आता है दे सकते, ठीक है ना। अच्छा और देखें और क्या इंफॉर्मेशन है, ये डेट समझ में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा आगे बोलते हैं, स्टूडेंट्स में नोट दैट एज पर द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फाउंडेशन कोर्स फॉर अपियरिंग इन सितंबर एग्जाम इज 1 मई, जो मैंने अभी बोला, अगर आप सितंबर 2024 में एग्जाम देना चाहते हो तो 1 मई के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लो और फटाफट क्लासेस ऑन कर दो। और आपको मैं बता दूं, हमारे यहां बैच 25 अप्रैल से एक नया बैच चालू हो गया, इसके बाद एक और नया बैच चल रहा है 10 मई से चालू हो रहा है, तो अगर आप चाहो तो हमारे में फाउंडेशन का बैच चालू कर सकते हो, जिसके अंदर हम आप लोगों को एकदम श्योरली बहुत अच्छे से पढ़ा के पर एग्जाम क्लियर करा देंगे।
जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। हम लोग पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं बहुत बढ़िया से। कोर्स कंप्लीट करने के बाद हाँ, हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल फैकल्टी है, ठीक है ना। जैसे अकाउंट्स मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना, आपका जो मैथ्स आप सुनेंगे आईडी सर बहुत फेमस है, बोलता था आईडी सर, इंद्रजी दास सर उनका पूरा नाम सब नहीं जानते, सब आईडी सर बोलते हैं उनको, ठीक है ना। उसके बाद लॉ हमारे पास पढ़ा रहे अजीत सर, ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स हमारे पास सैवेश सर है, बेस्ट फैकल्टी है यार, मतलब फाउंडेशन एकदम क्लियर करा के छोड़ेंगे। पहले हम लोग पूरा पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल में, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं, हाफ टेस्ट देते हैं, फुल टेस्ट, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करा के हम याद करा देते हैं चीजों को क्लास में। घर में मेहनत करने का टाइम ही नहीं देना है आपको, सारा चीज क्लास में कंप्लीट करा देते हैं और उसका रिवीजन करा के एग्जाम में भेजते हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग का पास रेट थोड़ा हुई है, ये आपको अच्छे से बताए, ये बताने का भी जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंटरमीडिएट कोर्स फॉर अपीयरिंग जनवरी इज 1st मई थ्रू बोथ द रूट्स। बोथ द रूट समझ गया, फाउंडेशन रूट या डायरेक्ट एंट्री, कोई भी रूट से अगर आप जा रहे हैं तो आपको 1st मई, वापस से बोल रहा हूं, जिनको अब जनवरी में देने का मन है एग्जाम, 1st मई के अंदर रजिस्टर करा लो। इट मे बी नोटेड दैट स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन इंटरमीडिएट कोर्स आइदर थ्रू फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री अप टू 1st जून 2024 आर एलिजिबल टू अपीयर इन सेप्टेंबर। जो मैंने बोला आपको कि सेप्टेंबर में जा रहे हैं तो जनवरी के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, तो अगर कोई जनवरी के अंदर तक रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो सेप्टेंबर में दे दे एग्जाम, ठीक है। बस ये था नोटिस। मैं एक बार फिर से बता दूं आप लोगों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ना बच्चे ये है, ये जो बच्चा फाउंडेशन दे रहा है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। देखो मैंने ऊपर में लिख दिया रजिस्ट्रेशन, कब तक रजिस्ट्रेशन करा लेना है, और जो बच्चा इंटरमीडिएट देना है उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन डेट इंपॉर्टेंट है कि इतने दिन तक रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इस मंथ में एग्जाम दे पाओगे, इस तारीख तक करा लोगे तो इस तारीख तक करा लोगे इस तारीख तक, ये थोड़ा सा आपको नोटिंग करके रख लेना चाहिए। अगर मैं आपके जगह होता तो ये बात को नोटिंग कर लेता, क्योंकि क्लैरिटी से कहीं पर लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भैया हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली जो फाउंडेशन के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट तो चलो उनको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गया बनेगा, फाउंडेशन के बच्चों को क्या करना चाहिए। तो अगर सेप्टेंबर में है और आप, मेरे हिसाब से आपको कॉल लेके सेप्टेंबर तक एग्जाम दे देना चाहिए, और अगर ऐसा लग रहा है कि सेप्टेंबर नहीं दे पाएगा, आप जहां से भी क्लास ले रहे हो, आप मेरे यहां से ले रहे हो तब तो देखो सेप्टेंबर में हम करा के कर ही देंगे, अब जहां से भी क्लास ले रहे हो उनसे ये चीज श्योर कर लो कि सेप्टेंबर तक वो सिलेबस खत्म करा देंगे। सेप्टेंबर नहीं, आपको तो 3 महीना के अंदर खत्म करना चाहिए, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक कोशिश करो सिलेबस खत्म हो जाए, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगस्त 1st वीक, क्योंकि 1 महीना सेल्फ स्टडी के लिए भी तो चाहिएगा। तो जहां भी पढ़ रहे हो वैसे कंफर्म कर लो, उनसे पहले पूरा शेड्यूल ले लो कि भैया कैसे आप लोग खत्म करेंगे, थोड़ा सा उनको आइडिया दे दीजिए। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ जाता है कि हाँ खत्म करवा देंगे आपसे, तब तो आप कर लो, ठीक है। नहीं तो फिर अगर थोड़ा लेट होगा तो फिर आप दिसंबर का एग्जाम अटेंड करो, या फिर अगर सेप्टेंबर में देने का मन है, जल्दी से करके आगे बढ़ने का मन है जल्दी लाइफ में, तो भैया आ जाओ हमारे पास, हम लोग हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो, सारा चीज क्लैरिटी हो गया हो। अगर इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है बच्चे। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ आग के जैसे फैला दूंगा, इन्फॉर्मेशन सबके तक पहुंचना बहुत जरूरी है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है, इन्फॉर्मेशन तो पहुंच ही गया है, ये एनालिसिस पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के इतने, अगले दिन फिर मिलते हैं, एंड ऑल द बेस्ट, कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा।